करने के लिए तो भरेंगे, चार साल के लिए करें आप, लेकिन देश जुनून है, वर्दी तो पहनेंगे सर जरूर। चार साल बाद क्या करेंगे? नेता का चमचागिरी करने के लिए आप बैठने के लिए। क्या नाम है आपका? एसटीओडी का बस कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो बीजेपी के नेता लोग कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। मेरा आनंद। क्या अभी आप जस्ट मिले, कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? हम बोले थे आपके सब्सक्राइबर हम राशिश हैं, आपको इंस्टाग्राम पे रीच आउट भी किए थे आपसे मिलने के लिए। तो आपने बोला था टाइम बताओ, लेकिन उस समय दंगा का समय था तो हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पा रहे थे। मैं रांची से। अच्छा, वो जो अग्निपथ वाला चल रहा था, प्रॉब्लम हुई क्या उसकी वजह से आने में? हाँ, काफ़ी ट्रेन कैंसिल हो गया और रांची से वाराणसी की एक ही दो ट्रेन है, एक छत्तीसगढ़ से आती है, वाराणसी आती है डायरेक्ट, और एक लोकमान तिलक है वो रांची से वाया होती है, रांची से खुलती है और वाराणसी इसके वाया। ट्रेन का सफर किया, क्या डर लग रहा था कि कुछ ऐसा हो सकता है? थोड़ा सा पुलिस सिक्योरिटी ज़्यादा थी रास्ते। हाँ, ज्यादा थी। रेलवे ने टाइट रखा है सब चीजों को, गेट मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइम बंद था। ऑल टाइम बंद था, मतलब पुलिस सिक्योरिटी ज्यादा थी, थोड़ा सा लोग कॉशियस रहने को बोल रहे थे। इन लोग जो झगड़ा कर रहे हैं, इतना ज्यादा आगजनी कर रहे हैं, क्या ये सब चीजें सही हैं? सही तो नहीं, वॉयलेंस को तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी उनका उनके साथ जो हुआ है तरीका भी सही नहीं है। सही, एकदम पूरा अग्निपथ का विरोध सब जनता कर रहा है कि हमारा मतलब ये चार साल की नौकरी, उसके बाद नो पेंशन, नेताओं को पूरा पेंशन मिल रहा है, हम लोग कुछ पेंशन नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों? जब पेंशन ही हटाना है तो सर उनका भी पेंशन हटाना चाहिए, पेंशन सबका हटना चाहिए। ज़्यादा दिक्कत दो साल के जो है, कुछ शायद दो साल पहले एग्जाम हुआ था, उन लोग को थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत है, और उनका तो वो भी है जेन्युइन, कुछ क्वालिफाई हो गया था फिर भी कैंसिल हो गया। मेरे ही भैया का एयरफोर्स में पूरा क्वालिफाई हो गया था, बस ज्वाइनिंग लेटर बाकी था, 2020 में ही निकला था, लास्ट दिसंबर के टाइम में बोल रहा है, और उनका अभी तक नहीं आया। 10% आरक्षण देंगे, जिनका पैर कट गया उधर से आएंगे, वो जो लूल लंगर हो जाए उनको क्या आरक्षण देंगे आप? कहीं ले बैठाएंगे? चोट लग गया, हम चार साल ड्यूटी करके आ रहे हैं सर, नेता का चमचागिरी करने के लिए आप बैठने के लिए। क्या नाम है आपका? सुधाकर कुमार नाम है सर, 2UPEME कंपनी से हूँ, NCC। अच्छा, NCC ज्वाइन किया है, BHU के स्टूडेंट हैं। 5 साल का NCC करके मैं 4 साल नौकरी करना चाहूँगा सर, कभी नहीं, मैं RDC दिल्ली परेड भी करके आया हूँ सर, राजपथ। बिल्कुल, और सी सर्टिफिकेट लेकर के कहीं बड़े जगह ज्वाइन करिए आप, अग्निपथ की क्या जरूरत? सर एक सपना है सर, वर्दी पहनने का और आर्मी में माँ भारती का सेवा करने का सर, अपना एक सपना है सर, तो उस सपने। इस स्कीम को आप, मगर जैसे होता है ना कि अब कुछ नहीं है, हमको भरना ही पड़ेगा, तो क्या ये भरेंगे आप लोग, अप्लाई करेंगे इसके लिए? तो सर अपना सपना पूरा करने के लिए तो भरेंगे, 4 साल के लिए करें आप, लेकिन देश जुनून है, वर्दी तो पहनेंगे सर जरूर। 4 साल बाद क्या करेंगे? देखा जाएगा सर, 25% में बोल रहे हैं, 25% में कोशिश करेंगे, 25% के अंदर आए सर, 25% समझ रहे हैं, 25% संख्या बहुत कम होती है उनके हिसाब से, कोशिश करेंगे सर उसमें आने के लिए, पूरा मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे, यही कर सकते हैं और क्या करेंगे। बहुत सारी सरकार को कंपनीज भी बोली है, जैसे एक आनंद महिंद्रा ने स्टेटमेंट दिया है कि बहुत को रखेंगे, और भी बहुत सारी है। NCC का सर्टिफिकेट से मतलब हम लोग को सर होता है, और भी NCC सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट प्लस, और मैं दून डिफेंस एकेडमी से तैयारी करके आया हूँ, देहरादून से फिर अब इतना मेहनत किया, 5 साल NCC किया, उसके बावजूद 4 साल की नौकरी करूंगा, उतना सैलरी भी नहीं है, 25,000 सैलरी है सर, और उसके बाद पेंशन वेंशन कुछ भी नहीं दे रही है सरकार, तो क्या ऐसी नौकरी करके फायदा? लेकिन अपना बस सपना पूरा करने के लिए हम लोग करेंगे। आप ये बताइए, पूरा करने के लिए हम लोग फौज में बस जाना चाहते हैं। एयरफोर्स में ये 4 साल में कितना ट्रेनिंग दे देंगे? 4 साल में क्या जहाज उड़ा लेगा वो? एक चार साल में एक पायलट जहाज उड़ा पाएगा, उसको दो चीज पे फोकस करना रहता है सर, एक तो उसको दुश्मन को खत्म करना और अपना जेट भी उड़ाना है, क्या वो 4 साल में कर पाएगा? 4 साल के बाद तो 5 साल में उसको तो सर फ्लाइट उसको मतलब टेक ऑफ और करने के लिए मिलता है, वो 4 साल में कैसे युद्ध लड़कर उतना आप उसको बोल रहे हैं फौलाद बना दें 6 महीने के ट्रेनिंग में, 6 महीना में हम 6 महीना सर, 1 साल ट्रेनिंग, 1 साल 1.5 साल की ट्रेनिंग को आप 6 महीना में कैसे करा सकते हैं? क्या करा देंगे उसमें, फौलाद क्या बना देंगे आप? एसटीओडी का बस कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो बीजेपी के नेता लोग कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा है, जो तैयारी कर रहा है इसका वो कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा। रघुराज चड्ढा खुद इसका, जो आम आदमी पार्टी का, उन्होंने खुद विरोध किया है सर कि नेता का पेंशन कट होना चाहिए तुरंत, जब आप पूरे मतलब जनता, हम उनसे ज्यादा तो सर हम सेवा ना करेंगे जाके। ये क्या कि एक साथ देश में कई मामले एक साथ खुलते हैं, एक चीज नहीं, महाराष्ट्र में सरकार बदल रही है, इधर अग्निपथ चल रहा है, सब एक साथ चीजों को नहीं खोल दे रही है सरकार की, एक चीज छुप जाए। डिक्टेटरशिप आ रहा है सीधे, अभी ऑनर वहाँ पे पंडितों को मारा जा रहा था कश्मीर में, कश्मीरी पंडितों को, फिर एक अग्निपथ लॉन्च हुआ, सारा मीडिया इधर आ गई। हाँ, नए नए ट्रेंडिंग में हमेशा एक कोई ना कोई न्यूज आते रहता है, कोई न्यूज आता रहता है हर चीज को दबाने के लिए।
तो अग्निपथ का मतलब आप टोटल विरोध करते हैं, सभी लोग विरोध कर रहे हैं, ये नया क्वेश्चन तो है नहीं। जो आया इसके बाद आप एक महीने का एयरफोर्स में आप 24 जून को नोटिफिकेशन आउट कर रहे हैं और 24 जुलाई को पेपर करा रहे हैं, एक महीने में एग्जाम कैसे लड़का अपना सिलेबस कवर करेगा? आपने पहले से नोटिस दिया नहीं था, कम से कम 2-3 महीने आप एग्जाम के लिए टाइम देंगे तब ना हम उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे आगे। अच्छा, क्या आशा है कि हम अगर 4 साल सर्विस दे करके आते हैं तो हमें क्या करने को मिलेगा या फिर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं आशा है सर, पहले से जितने फौजी रिटायर हैं उनको मिल ही नहीं पा रहा है, तो जो न्यू आएंगे बंदे उनको कहाँ से मिलेगा? जो पहले से रिटायर्ड हैं वो अभी देख लीजिए BHU में ही, पैरामिलिट्री फोर्सेज में ही सर कितना सीट खाली है? कुछ सीट नहीं खाली है सर, वो बस आश्वासन दे रहे हैं, लिखित में दे हम लोगों को, लिखित में कहाँ दे रहे हैं, बोल रहे हैं 25 साल उम्र कर दिया, नोटिफिकेशन में 23 साल ही दिखा।